हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स को जानकर अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे तरह से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ऐसे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के कई वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को जैसे कि पेट में प्रॉब्लम होती है, गैस बनता है, पेट फूलने लगता है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अनुभव किया है कि अर्ली प्रेगनेंसी में उन्हें दस्त लगती है, डायरिया की शिकायत होती है। तो जानेंगे हर एक पॉइंट को, ये कब से शुरू होता है, क्यों होता है, इसको ठीक कैसे किया जाए और क्या इससे जुड़े कुछ खतरे होते हैं, वीडियो के अगले भाग में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल को टच करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी में पेट में गड़बड़ होना सामान्य है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का स्तर ब्लड स्ट्रीम में शरीर में बढ़ता है, वैसे पेट में डिस्टर्बेंस चालू हो जाती है, जैसे कि गैस बनना, पाचन प्रक्रिया का धीमा हो जाना। लेकिन इसी कंडीशन में ऐसा भी होता है कि कुछ फूड, भारी खाना जिसे हम कहते हैं, आप पहले खा लेते थे, आराम से आप रेजिस्ट कर लेते थे, लेकिन इस समय जब आप उसको खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आपको अपच्सा महसूस होता है और कभी कभी आपको दो तीन बार लूज स्टूल भी पास होता है उसको खाने पर। तो ऐसी कंडीशन आपको अर्ली प्रेगनेंसी में हो सकती है। तो ये कब होती है? जनरली जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल लंबी है, यानी कि 30 दिन या उससे ऊपर की जिन महिलाओं की साइकिल है, उनको ये पीरियड डेट मिस होने से पहले भी हो सकता है। लेकिन जिनकी पीरियड साइकिल बहुत छोटी है, उनकी डेट मिस हो जाने के बाद भी उनको ऐसा ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डेट मिस होने से पहले भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और डेट मिस होने के बाद भी, ये आपके साइकिल की लेंथ पे डिपेंड करेगा। इसका प्रमुख कारण हार्मोन होने के साथ साथ ही अगर आप कंसीव करने से पहले प्रीनेटल विटामिंस का सेवन कर रही हैं, आपकी कुछ मेडिसिंस चल रही हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ले रही हैं, तो कंसीव करते ही जो बदलाव हार्मोनल होते हैं उनकी वजह से, प्रीनेटल विटामिंस की वजह से आपको डायरिया हो सकता है। तो अब ऐसे कंडीशन में महिला को क्या करना चाहिए, क्या इससे जुड़े कुछ खतरे हैं, तो आज मैं आपको इससे जुड़े कुछ खतरों के बारे में भी बताती हूँ। अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है या फिर आपको उबकाई आ रही है, इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा सरदर्द हो रहा है, बहुत बुखार आ रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पेट में क्रैम्प हो रहा है, डायरिया के साथ में, दस्त लगने के साथ में, तब ये कंडीशन सीरियस होती है। ये प्रेगनेंसी में होने वाले किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन को दर्शाता है और ऐसी कंडीशन में आपको रुकना नहीं है, आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, तो फ्रेंड्स, डेट मिस होने से पहले अगर आपको दो तीन बार स्टूल पास हो रहा है, लूज मोशन हल्का हो रहा है, इसके अलावा पेट में बहुत गैस बन रही है, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो आप गेस कर सकती हैं कि आप कंसीव कर चुकी हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करना एक चैलेंज होता है और आपको इस वक्त इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आपको खाने में सबसे पहले सरल और बहुत आसानी से पचने वाले भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे कि आपको मूंग दाल और चावल की सादा खिचड़ी खानी चाहिए, दही जरूर लेना चाहिए। साथ ही शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए आपको WHO का जो ORS पाउच होता है वो आपको बना के बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीते रहना चाहिए, ताकि बॉडी के अंदर सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन रहे, बना रहे। इसके अलावा खाने में आप बनाना खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस खा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई भी भारी खाना जो आपको बहुत आसानी से पहले पच जाता था लेकिन अब नहीं पच रहा है, उसको थोड़े समय के लिए अवॉइड कर देना चाहिए और वो सभी फूड लेने चाहिए जो कि पचने में बहुत ही आसान होते हैं। फाइबर और ज़्यादा मात्रा में पानी इस समय आपके लिए बहुत मददगार होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि डायरिया, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है, जिसको हम कह सकते हैं माइल्ड डायरिया, आपको हेल्प करेगा अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करने में। इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।